एजत माम, मोहतरम प्रिंसिपल साहब, असतजा किराम, प्यारे बच्चों और बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा स्कूल एक खास और अहम कंटेस्ट करने के लिए इस हाल में जमा हुए हैं और ये कंटेस्ट है क्विज का, साइंस पर जो मुश्तमिल है। तो आपका वक्त लिए बगैर ही पहले हम इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। तो आगाज के लिए मैं यहाँ पर वासिफ खालिक को बुला रहा हूँ कि वो यहाँ पर तिलावत कलाम पाक पेश करें। वासिफ खालिक, कुरान परान कुनो मोदुक, कुरान परा कुनो गई सूर, कुरान परा कुनो मोदुक, कुरान परा कुनो गई सूर, कुरान परा जिंद कथकुत रोदुक, कुरान परान कुनो गई सूर। वासिफ खालिक आपके सामने तिलावत कलाम पाक पेश करेंगे। वासिफ खालिक, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث कुरान ही ईमान, कुरान ही दस्तूर हमारा, कुरान ही ईमान। जज़ाकअल्लाह। ये थे वासिफ खालिक जो आपके सामने तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे थे। तो इस महफिल को और चार चांद लगाने के लिए अकीदत के फूल निछावर करेंगे सेकंड क्लास की छोटी सी बच्ची अफीफा तारिक। मैं इनको यहाँ पर तहे दिल से दावत देता हूँ कि वो यहाँ पर आकर नाचशीरी पेश करे। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू अमीरे हरम मैं फकीरे आजम, तू अमीरे हरम मैं फकीरे आजम, तेरे गुण और गिलब मैं तलब ही तलब, तू आता ही आता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरान इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अरशे बरी, या रहमत लिल आलमी, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा। जो प्रोग्राम हमने पिछले दो हफ्तों से, असल में हमने इसके लिए एक महीने तक तैयारी की है, लेकिन पिछले दो हफ्तों से हम इसकी बहुत ज्यादा तैयारी हमने की है। तो ये प्रोग्राम हम यहाँ पर मुनाकिद करने से पहले इस महफिल को पहले रौनक बख्शेंगे वो ये है कि महफिल के लिए एक साहिब सदर का होना लाजमी है, यानी जिसकी सदारत में ये महफिल मुनाकिद की जाएगी
तो इसका इंतखाब करना बहुत लाजमी होता है, क्योंकि हमारे इदारे का प्रिंसिपल साहब जो इस ओहदे के अहल है, मैं इनको अपनी तरफ से दिल की उम्मीद गहराई से दावत देता हूं कि वो चीफ गेस्ट की कुर्सी पर विराजमान हो। मोहतरम प्रिंसिपल, जोर देता लिया साहब जा रहे हैं और अपनी कुर्सी सजा रहे हैं। तो ये साहिब सदर मुंतखब करने के बाद अब जो हमारे बाकी असतीजा किराम जो है, इन पर भी हम कोई न कोई जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपने जा रहे हैं। जो दूसरा अहम ओहदा आता है वो है मुनसिबों का ओहदा, यानी जज हजरात का ओहदा। तो इसके लिए हमने अपने मोहतरम तीन असतीजा किराम मुंतखब किए हैं। तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहता हूं, वो है हमारे यहाँ पर डिप्टी प्रिंसिपल साहब मोहतरम अब्दुर्रशीद भट्ट साहब, और इसी तरह से हमारे यहाँ पर मौलवी साहब है, मौलवी मोहम्मद आसिफ वानी साहब, और इसी तरह से हैं हमारे बहुत ही सीनियर टीचर मोहतरम मोहम्मद अशरफ मला साहब। ये तीनों हजरात अपनी चेयर पर जाएंगे और जज का ओहदा संभालेंगे। हाजिर की गोद में इनको भी वहां तक जाने की हम जामा देते हैं। तो इस तरह से हमारे इस प्रोग्राम के लिए जजों का भी इंतखाब हो चुका है। अब इस कंटेस्ट में एक और अपराध की हमें अपराध दो अपराधों की जरूरत है। जो अपराध यहां पर इस क्विज कंटेस्ट पर नजर गुजर रखेंगे और देखेंगे कि किस ग्रुप ने कितने मार्क्स हासिल किए हैं, यानी मेरा इशारा है स्कोरर की तरफ। तो स्कोरर के लिए हमने एक और सीनियर टीचर जो हमारे अकाउंट सेक्शन से ताल्लुक रखते हैं, मिस्टर फारूक अहमद मला साहब, और हमारे मेन टीचर हैं मिस्टर मुश्ताक अहमद मीर साहब, इन दोनों को मैं जहमत देता हूं कि वो यहां पर आकर अपनी चेयर संभालें। मोहतरम और इसके साथ ही एक और वो हमारा यहाँ पर एक बहुत ही काबिल तरीन उस्ताद साहब है हमारे मोहतरम गुलाम नबी मीर साहब, वो भी यहाँ पर आएंगे। ये टाइम कीपर टाइम का वो दिखा रखेंगे, अपने अपने मोबाइल को सामने रखेंगे और इंतखाब किया है। सबसे पहले सदर मेजर का, इसके बाद जजों का, और इसके बाद स्कोरर और टाइम कीपर का। अब हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। अब कुछ इंस्ट्रक्शन मोहतरम मुदस्सिर अहमद डार साहब, जिसकी वसादत से ये मुमकिन हुआ है, मैं इसे दावत देता हूं कि वो यहां पर आकर कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे और इन बच्चों को बुलाएंगे कंटेस्ट में हिस्सा लिया है, और साथ ही कुछ और इंस्ट्रक्शंस मेरी तरफ से होंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं माइक्रोफोन मोहतरम मुदस्सिर अहमद डार साहब के हवाले करता हूँ के लिए। पहली बार आए हैं माइक पर और देखेंगे कि इनकी तरफ से क्या कुछ हिदायतें मिलती हैं हमें। औसुबिल्लाशीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम प्रिंसिपल साहब और दीगर उसातिज़ा किराम, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत खुशी की बात है कि इस साल हम ये पहला साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का क्वीज करने जा रहे हैं। इस क्वीज मैं जिन बच्चों ने हिस्सा लिया है उनके नाम इस तरह से है। ग्रुप ए में फैजान शमसुद्दीन, ग्रुप ए में फैजान शमसुद्दीन वो आएंगे यहाँ पर अपना यहाँ पर
तरह से ग्रुप ए में शाकिर फिरदौस भेजा, इसी तरह से ग्रुप सी ग्रुप ए में शबनम अहद, ग्रुप बी अफीफा तारिक। तो इसी तरह से हुरमत रमजान और ग्रुप बी में है रेहान भट और लास्ट पे है जुबैर। अब ग्रुप सी में है आबिरुन्निसा, इसी तरह से है बाकिर, सालिक मंसूर। लास्ट तो ग्रुप डी में इकरा जान, सोफिया मजीद, ये क्वीज हमने सिक्स क्लास ऑनवर्ड्स नाइन्थ मेरी तरफ मुतवजा रहेंगे, मुतवजा इस तरह से रहेंगे कि ये जो हमारा कंटेस्ट यहाँ पर शुरू होने वाला है ये पांच राउंडों पर मुश्तमिल होगा। पांच राउंडों में पर यह मुश्तमिल कंटेस्ट जो यहाँ पर खेला जाएगा, इसमें सिर्फ एक राउंड ऐसा होगा जिस राउंड में इनको मशवरा करने की इजाजत होगी, यानी ये आपस में मशवरा करके पहले शबनम, हम बीच क्लास नाइन्थ क्लास से शबनम है जो ग्रुप ए के लिए अब बतौर लीडर मुंतखब की जाती है। जो हमारे चार कंटेस्टेंट है ये अपना लीडर चुनेंगे। सबसे पहले तो कौन आपका लीडर है? कौन? रेहान, आपका नाम रेहान रशीद भट्ट। किस क्लास से? एट्थ क्लास का ये रेहान बैठे। इसके ग्रुप में जो बाकी बच्चे हैं उन्होंने इसको अपने ग्रुप के लिए लीडर मुंतखब किया है, तो शुक्रिया। आलू रामीश क्लास नाइन्थ क्लास से आप अपने इस ग्रुप की तर्जमानी करेंगे, जीतने का कोई इम्कान है इंशाल्लाह। अब आखिरी ग्रुप जो हमारे पास है वो है ग्रुप सी, आप अपना पहले मुंतखब करेंगे लीडर। इकरा नाइन्थ क्लास की है इकरा। इस तरह से यहाँ पर जो मुंतखब हो चुके हैं फिर ग्रुप से एक एक लीडर, तो ग्रुप ए से शबनम, ग्रुप बी से रेहान रशीद, ग्रुप सी से आबिरुन्निसा और इसी तरह से ये ग्रुप डी जो है वहाँ से इकरा। तो अब हम शुरू करेंगे इस क्विज को जिसके लिए आप सब बेताब हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक और बात जो कहना मैं भूल गया, एक राउंड ऐसा भी होगा जिसमें बच्चे को हर ग्रुप को चॉइस दी जाएगी, वो अपने लिए यहाँ पर पांच सवालों का इंतखाब करेंगे, पांच सवाल उठाएंगे और पांच सवालों के जवाब इनको देने होंगे जो इनके हक में जो भी सवाल वो उठाएंगे इनके लिए चॉइस होगी। ये राउंड भी यहाँ पर होगा। तो फिलहाल मैं मुदस्सिर साहब से यहाँ पर दावा देता हूँ कि वो प्यारा राउंड आपके सामने पेश करें। मुदस्सिर भट्ट साहब, पहला क्वेश्चन है नेम द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। फिर एक बार क्वेश्चन मैं रिपीट करने जा रहा हूँ, नेम द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। ये चीफ जवाब है, गलत जवाब है। तो यहाँ पे शबनम ग्रुप ए ने करेक्ट आंसर दिया है, तो इनके लिए जोरदार ताजा हो जाए। अब हम चलते हैं ग्रुप बी की तरफ। तो इनके लिए क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूरो सिस्टम। न्यूरॉन, ठीक जवाब है, गलत जवाब। तो यहाँ पे ग्रुप बी ने सही आंसर दिया है, तो इनके लिए जोरदार ताजा हो जाए। नेम द ऑर्गेनेल रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस
इन अ सेल राइबोसोम। सही है, जवाब गलत है। तो इन्होंने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इनके लिए जोरदार नेम द सेल ऑर्गेनेल नोन एज सुसाइडल बैग। खड़ा होगा यहाँ पे ग्रुप डी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो बच्चे की तरफ से क्लैप का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो इनके लिए क्वेश्चन है, विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज। तो ग्रुप के ए के लिए यही क्वेश्चन है, विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल। तो यहाँ पे इन्होंने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। रेटिनॉल इसका सही आंसर है, रेटिनॉल। फूड इंट्रोड्यूस द टर्म इकोसिस्टम। सर ऑटोलॉजी केमिस्ट्री। हाँ, ये जो ग्रुप बी ने इनका आंसर दिया है हु इंट्रोड्यूस द टर्म इकोसिस्टम, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से हम चलते हैं ग्रुप सी की तरफ। इनके लिए क्वेश्चन है, नेम द वेरियस पॉट्स ऑफ फ्लावर। एक बार रिपीट फिर। ग्रुप सी ने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर है सेपल्स, पेटल्स, स्टैमिन एंड कॉर्पेल। ग्रुप डी के लिए क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द इंजन ऑफ द सेल। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा था विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द इंजन ऑफ द सेल। तो ग्रुप डी ने आंसर दिया है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब यहाँ पे हम राउंड फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। तो ग्रुप ए के लिए क्वेश्चन है, द कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल इज। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा था द कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल इज। तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, न्यूक्लियस। इसी तरह से ग्रुप बी के लिए क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी इज। तो आंसर इन्होंने दिया है लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी इज लिवर। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बच्चों की तरफ से क्लैप का कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इसी तरह हम चलते हैं ग्रुप सी की तरफ। तो क्वेश्चन इस तरह से है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा था हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। तो जवाब है रॉबर्ट ब्राउन। तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं ग्रुप डी की तरफ। तो इनके लिए क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेल इज कंसीडर्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहाँ पे आंसर इन्होंने दिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल करेक्ट जवाब है। बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो यहाँ पे राउंड फर्स्ट जो था वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम जजेस की तरफ चलते हैं कि स्कोर ग्रुपों का क्या हुआ है। तो बच्चों से गुजारिश है कि वो जोरदार क्लैप करें। ग्रुप ए ने 6 मार्क्स हासिल किए हैं आपका। ग्रुप ए ने 6 मार्क्स हासिल किए हैं। ग्रुप बी ने 6 और ग्रुप सी ने 6 और ग्रुप डी ने 6 और इधर से 6 मार्क्स। 6 मार्क्स से इस तरह से हर एक ग्रुप ने 1 मार्क्स हासिल किए हैं। तो जोरदार तालियां हैं सबके लिए।
पेश किया है, आसान सा पेश करने जा रहे हैं, वो मैं यहाँ पर दावत देता हूँ। जो यहाँ पर साइना सुप्रीमो है, साइना सुप्रीमो मोहतरम रियाज अहमद भाट साहब, वो यहाँ पर आकर ये दूसरा राउंड पेश करेंगे। ग्रुप ए के लिए प्यारा सवाल रिया साहब की तरफ से, ऐसा यूनिट ऑफ नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ नेक्स्ट मीटर सही जवाब है, गलत जवाब है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पावर का ऐसा यूनिट क्या है? बहुत सही जवाब है, गलत है, गलत जवाब है, दो आप इसी तरह चाहते हैं की तरह, तो ग्रुप बी के लिए साहब क्या सवाल है? वर्ड ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है? पास्कल और न्यूटन मीटर स्क्वायर, बिल्कुल गलत जवाब। पहली रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर यूज बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो इस तरह से ग्रुप बी की तरफ आप क्या है सवाल? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या है? वाइब्रेशन, वाइब्रेशन सही जवाब है। हाँ, ग्रुप सी के लिए और क्वेश्चन, व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड? ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड, सभी लोग सवाल सुनो, मीटर पर सेकंड, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अब जी की तरफ क्या है? व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ मास, मास का ऐसा यूनिट क्या है? करेक्ट, केजी, केजी रूलर, जवाब है। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक एम्पीयर, एम्पीयर, एम्पीयर। ग्रुप सी के लिए, ग्रुप सी के लिए नेम द थ्री सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रॉइड ग्रैंड, क्या भाई? एससीएल गैस, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। अब हम ग्रुप डी की तरफ आते हैं और इनके लिए क्या सवाल है रिया साहब? हाउ मेनी टीथ डज एन एडल्ट ह्यूमन हैव, क्या भाई कितने दांत है? 32, जोरदार तालियां के लिए है, जरा इसकी तरफ तवज्जो देखो, और देखिए ये बक्सा जो है इसमें सिर्फ कागज के पर्चिया है, लेकिन इन कागज के पर्चों पर तकदीर लिखा हुआ है, और देखते हैं कि किसकी तकदीर अच्छी होगी और किसकी कुछ डबाडोर होगी। तो मैं जाता हूँ खुद ही सबसे पहले ग्रुप ए की जानिब, ये लोग अपना अपना सवाल उठाएंगे, सिर्फ शबनम जो लीडर है ये दो सवाल उठाएंगे, इसमें दो सवाल उठाएंगे इसमें। अपने पास रखो सवाल, तू भी एक सवाल उठाओ, तू भी एक सवाल, शाबाश फैजान, अपने अपने पास रखो सवाल, अभी सवाल खोलना नहीं, सवाल खोलना नहीं, जिसको मैं कहूंगा वही सवाल खोलेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले फैजान अपना सवाल इधर दे दो पर्ची, और सुनो सब लोग सवाल, सवाल क्या है इसके लिए, और फैजान को इसका जवाब देना होगा, और अपने ग्रुप के लिए मार्क्स इसको हासिल करने होंगे। तो सबसे पहले मैं जो इसका सवाल पढ़ता हूँ, बहुत ही आसान सवाल है, फुल फॉर्म ऑफ IBWL, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो आपका जवाब दोबारा बताओ, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, बिल्कुल सही जवाब उसे दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो ये फिलहाल अपने पास रखो। अब शाकिर, शाकिर अपना सवाल, शाकिर का सवाल मेरे हाथ में आ गया है,
अब देखते हैं शाकिर ने क्या, शाकिर इस सवाल का जवाब दे सकता है या नहीं। अब सवाल सुनो सब लोग, सभी को इसका जवाब याद होगा लेकिन किसी को कहने की इजाजत नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर शाकिर है इसी को जवाब कहने की यहाँ पर इजाजत होगी। तो सवाल इस तरह से है, नेम द ऑर्गन विच पंप्स ब्लड इज हार्ट। कहाँ हार्ट है, हार्ट कहाँ है आपका, कहाँ है, यहाँ पर हार्ट है, कहता है कि ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कहता है, बिल्कुल आपका जवाब सही है। अब आपका सवाल क्या है, मुझे तो मुझे पता है ना आपको पता है, अब देखते हैं क्या है सवाल। इसमें सवाल बच्चे में बच्चे, अब एक और बार यहाँ पर दिल की जो बात आ गई तो दिल ही दिल यहाँ पर धड़कने लगा है, मेरा भी तो दिल धड़क रहा है। और सवाल है यहाँ पर आपका नाम, अभी टाइम नहीं सुना हो, जब मैं सवाल पढ़ूंगा तब सा टाइम शुरू होता है। हाउ मेनी चेंबर्स आर देयर इन द कितने हैं, फोर, किसने कहा है, काका की पर्ची में कहा है, यहाँ पर तो गलत लिखा है, सही है, सही, बिल्कुल इसका जवाब बिल्कुल सही है। आप सब दो सवाल है, इसको दो सवाल के जवाब देने होंगे। तो फिलहाल हम एक देखते हैं कि एक का जवाब क्या है और एक का सवाल क्या है। सवाल यहाँ पर जो है शबनम आपके लिए सवाल है, आर यू सीन इन सिटी इंडियन यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज। नहीं 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 नहीं, एक बार रिपीट रिपीट रिपीट, आई यू सी डी इंडियन आपका जवाब टाइम, चलो फिर एक बार, फिर एक बार आंसर रिपीट करो, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। वेरी गुड, पहले उसने जवाब बहुत गलत दिया था, मैंने सोचा था कि ये फिर इधर उधर जाएगी लेकिन ये वापस आ गई और अपने जवाब सही दिया, तो जोरदार तालियां। ये सवाल जो है एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। शाबाश शाबाश, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। आपका जवाब क्या होगा आपकी ख्याल में, नहीं ठीक ही है। अब इस तरह से ग्रुप ए ने मैदान मार लिया, इनकी तकदीर अच्छी थी। उठाओ आप भी उठाओ, हुरमत शाबाश प्रतिपा, सभी ने अपना अपना सवाल जो चुन लिया। आपका नाम जुबेर, जुबेर सेवंथ क्लास से है, सेवंथ क्लास का ये जुबेर जिसने इस कंटेस्ट में हिस्सा लिया है, इसके लिए जो सवाल है वो बहुत ही आसान है, सभी लोग पीके और एज उड़ाते हैं इसका, वही सवाल है, यानी मेरा सवाल यह है कि ओ सी सिटी इन दॉर नहीं, इसका जवाब जो इधर से आ गया ये गलत है, हुरमत ने इसका जवाब दिया इस तरह से सवाल। अब सवाल काला दम है, सवाल को काला दम किया जाता है और बैठ जाओ, एक ये सवाल ऐसे ऐसे नहीं है, आपको अलग अलग जवाब देने होंगे। वो पहले हुरमसी नीरज को बाद में पूछते, इसका किसका लिखा, इसका लिखा नहीं, इसका नहीं खान, इसको यहाँ पर इसने बोला जवाब हुरमत नहीं। शाबाश, अब जो सवाल हमारे यहाँ पर जोरदार ताजा, फुल फॉर्म ऑफ एचआईवी, आपका जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया है हुरमत ने। तो अब अफीफा आपके लिए सवाल, आपका सवाल जो है, सवाल आपके लिए ये है, ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन, शाबाश
नहीं 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 आपका जवाब जामन हो सकता है। इसका आधा जवाब सही है, आधा इसका थोड़ा उसको पढ़ने में आ गया, इसलिए मैं इसको फुल मार्क देता हूँ। इसका जवाब बिल्कुल सही है, ये बुलंद फ्लोटिंग है, बुलंद फ्लोटिंग है, तो ये जवाब आप याद रखेंगे। अब रेहान इस ग्रुप का कमांडर जो है, इसका ऋषि साहब इसका ठीक है। रेहान के लिए पहला सवाल जो है बहुत ही आसान सवाल होगा इसके लिए। What does DNA sit in his blood? Deoxyribonucleic acid. Yeah, but again? Deoxyribonucleic acid. बहुत ही जोरदार जवाब उसने दिया, तो जोरदार तालियां इसके लिए। सही जवाब आपका। तो अब आपके लिए दूसरा सवाल जो है, दूसरा सवाल जिसके लिए आपको मार्क्स हासिल करने होंगे, क्योंकि आपका पहले ही नुकसान हो चुका है, हुरमत ने थोड़ी सी गलती की है। तो इस तरह से अब यहाँ पर जो सवाल आपके लिए है, नेम द मेम्ब्रेन विच सराउंड्स द वैक्यूल इन सेल। टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट तो बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां इसके लिए। ये आपका सवाल तो इस तरह से आते हैं, क्योंकि ये ऐसा राउंड है जिसमें आप मार के जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। तो पहले मैंने कमांडर को उठाया यहाँ पर, आयब्रू जो है, आयब्रू के लिए जो सवाल है, गिव द फुल फॉर्म ऑफ बीआरपी। बीआरपी, प्रोग्राम। वेरी गुड, आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो आपने पहला सवाल का जवाब जो दिया है, अब आते हैं आपके दूसरे सवाल की जानिब, वो यह है गिव द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हाँ बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल सही, तो जोरदार तालियां इसके लिए। तालियों ने आपके सवाल के जवाब को दिया है। अब यहाँ पर आपका नाम बाकिर, बाकिर यह सिक्स क्लास का एक होना लड़का है, उसने यहाँ पर देर से ही इसने हिस्सा लिया है, लेकिन उसने तैयारी की होगी और ये अपने सवाल का जवाब सही देने में यहाँ पर सफल रहेंगे। तो आपके लिए जो है WWF सिटी इन स्पॉट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वेरी गुड, क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वेरी गुड, तो इसके लिए जोरदार उसने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। तो अब यहाँ पर साहिल, साहिल जो एट क्लास का एक तालिबिल्म है, आप देखते हैं कि इसने कितनी तैयारी की है। तो यहाँ पर जो आपके लिए सवाल है, फुल फॉर्म ऑफ आईयूबीपी। शाबाश, अगेन वेरी गुड, आपका जवाब ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, तो जोरदार तालियां इसके लिए। अब आखिर पर जो इस ग्रुप सी का जो यहाँ पर ये भी सेकंड से ही ताल्लुक रखता है, और इसके लिए जो सवाल है, द ग्रोइंग मोर इन मोर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड। शाबाश, ग्रोइंग मोर इन मोर प्लांट्स इज कॉल्ड, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने, इसको क्या कहते हैं? ग्रोइंग मोर इन मोर प्लांट्स। शाबाश, चलो एक बार फिर एफॉरेस्टेशन, चलो सही जवाब है आपका, एफॉरेस्टेशन। लेकिन इसको हाफ मार्क दे दो आप, क्योंकि आप शाबाश मुताहिर और यहाँ पर तोयबा, हाँ ये इस राउंड का आखिरी ग्रुप है जिनको अपने पांच सवालों के जवाब देने होंगे और अपने मार्क्स हासिल करने होंगे। तो सबसे पहले तोयबा, तोयबा आपके लिए सवाल जो है, सवाल सब बच्चे सुनो और याद रखो, ये सवाल ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। ऑन विच डे द वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड। 22 मार्च, 23 अप्रैल,
चवंडी तू अपन बारिश कहती है, ये सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, तो जोरदार ताली इसके लिए। यानी जो पानी का दिन जो मनाया जाता है हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, 21 मार्च को नवरोज होता है और 22 मार्च को पानी का दिन वाटर डे मनाया जाता है। तो अब मुताहिर ताहिर के लिए अपना सवाल, उसका सवाल जो है आपके लिए सवाल जो है वो इस तरह से है, कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। इसका सही जवाब है, गलत है? सही जवाब है। अगर मोर एंड मोर ट्रीज इज कॉल्ड वेरी गुड, वेरी गुड, को पता है मोर एंड मोर ट्रीज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन एंड कटिंग मोर एंड मोर ट्रीज ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो इस नन्हे बच्चे के लिए जोरदार तालियां हो जाए। उजैर के लिए ये सवाल है, उजैर तो इसने तो पूरे सवाल याद किए थे पहले ही दिन, लेकिन देखते हैं आज इसने ये सवाल कुछ अच्छी तरह से याद रखा है या नहीं रखा है। तो आपके लिए सवाल जो है, द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। चलो ठीक है, इसने जवाब दिया कश्मीर में ही दिया, जो पता है इसको फोटोसिंथेसिस क्या है। मेकिंग फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। चलो बहुत अच्छा है इनके लिए। अब पूछना के लिए मेरा सवाल जो पहला है वो इस तरह से है, अब कमांडर को अपने मार्केट जीतने हैं, इसके ग्रुप ने मार्केट जीते हैं, लेकिन अब इसको अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी। एबीपी सीडेंट इस बार आपका जवाब फिर क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छा एडीपी वेरी गुड, आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है और दो तालियां। अब आपके लिए आखिरी सवाल, इस सवाल का भी जवाब देने में आप कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डब्ल्यू बी सी फाइट अगेंस्ट जर्मन। ये सही जवाब है, उनका जवाब बिल्कुल सही है, तो जोरदार तालियां। तो इस तरह से मेरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। तो आते हम अब जजों की जानिब की ये बताएंगे कि किस ग्रुप ने कितने मार्क्स हासिल, कितना स्कोर हासिल किया है। तो मुशाक साहब ग्रुप ए ने जो जहां पर तीन राउंड हुए हैं उनमें उन्होंने स्कोर हासिल किया है 22। ग्रुप ए ने हासिल किया है 22 मार्क्स तीन राउंड्स में, यानी फैजान ने 2 मार्क्स हासिल किए ग्रुप राउंड 3 में इंडिविजुअल, और शाकिर फिरदौस 2, शबनम 4 और अनिका हमीद 2। तो ये कुल मिला के हो गए 22। तो 22 में से 22 मार्क्स ने हासिल किए। तो इस तरह है ग्रुप बी, यहाँ पे पहले 2 राउंड जो है उन्होंने बराबर मार्क्स किए, यानी 12 मार्क्स लिए है सबने। और ग्रुप बी जो है तीसरा राउंड जो है जुबेर मुश्ताक, तो इसका आंसर ठीक नहीं आया तो 0 मिला। और रेहान रशीद इसने 4 मार्क्स हासिल किए, और हुरमत रमजान 2, अकीबा तारिक 2। तो कुल मिला के ये बनता है 20 ग्रुप बी। हाँ ग्रुप बी का। तो इसी तरह ग्रुप सी जो है इनको ये अकील मुश्ताक जो है उन्होंने हासिल किया 1 मार्क्स इस थर्ड राउंड में, क्योंकि आंसर लेट आया है तो इसकी वजह से उसको 1 ही मार्क्स में हाफ मार्क्स मिला। तो इस तरह शाकिर फिरदौस ने 2, बाकिर रशीद ने 2, और इसी तरह ये आगर निसा जो उसने 4।
तो 12 21 मार्क्स ग्रुप 21 मार्क्स ग्रुप सी ने हासिल किए। तो यहाँ पे ग्रुप डी जो है उन्होंने भी 22 मार्क्स हासिल। तो इस तरह इस कंटेस्ट में जो 3 राउंड हुए हैं इसमें ग्रुप ए जो है ये टॉप कर रहा है यानी 22 मार्क के साथ। तो इसके बाद ग्रुप डी जो है उसने लिए है 21 मार्क्स और ग्रुप सी जो है उसने लिए भी 21 मार्क्स और ग्रुप 20 मार्क्स और ग्रुप डी ने ग्रुप सी ने 20। ग्रुप बी पहले आपने बताया 20, फिर एक बार आप देख लीजिए, देखो सिक्स ट्वेंटी है, एक बार तो ग्रुप सी ने 21 तो ग्रुप डी ने 22 मार्क्स। मुशाक साहब का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह से हमारे पास जो इस वक्त आ गया है ताजा तरीन स्थिति इस तरह से है कि जो ग्रुप यहाँ पर ग्रुप बी जो है ये सबसे पीछे चल रहा है, उसने अभी तक 20 मार्क हासिल किए हैं क्योंकि उन्होंने खुद गलती की है। दूसरा ग्रुप जो है जो इनसे आगे है वो है ग्रुप सी, उन्होंने 21 मार्क, लेकिन ए और जी के दरमियान इस वक्त बहुत ही टकराव चल रहा है। दोनों इस वक्त मैदान मार रहे हैं और दोनों इस वक्त स्टैंड है 22 मार्क पर। अब यहाँ पर तीसरा राउंड हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो तीसरे छोटे राउंड के लिए मोहतरम प्रिंसिपल साहब को दावत देता हूँ कि वो यहाँ पर आकर केसर अमन को What is the average lifespan of WBCs? Less than 10 days. What is the average lifespan of WBCs? Less than 10 days. Jawab bilkul sahi. Group B ke liye hai. Aap do rahe hain. The voice box is also called Larynx. Larynx. चलो सही है, बिल्कुल जवाब बिल्कुल सही है। Who is known as father of genetics? Krieger John Mann. बिल्कुल जवाब बिल्कुल सही। ग्रुप डी के लिए है, ग्रुप डी नेम द लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी। ओटा। हाँ बिल्कुल सही है, ये जवाब बिल्कुल सही। ग्रुप ए के लिए सवाल है, नेम एनी टू फॉसिल फ्यूल, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम। क्वेश्चन था नेम एनी टू फॉसिल फ्यूल, तो इसका आंसर है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? चलो ठीक है, जवाब बिल्कुल सही है। बी के लिए है, नेम द एक्सक्रीटरी यूनिट प्रेजेंट इन अर्थ वर्म। चलो नेफ्रीडिया, इनको ये हिप्स हुई है ये सवाल। हाँ ग्रुप सी के लिए है, हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी? रॉबर्ट हुक। तो क्वेश्चन था हु इज नोन एज फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक। हाँ रॉबर्ट हुक। हु इज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी? एडवर्ड जिन्नर। बिल्कुल जवाब सही है, तालियां कर तालियां के लिए। हाँ और एक सवाल एक ही तरफ, हु गेव द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, बिल्कुल जवाब सही है। बी के लिए है, बी तैयार रहे। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ आर्टिफिशियल किडनी? डायलिसिस। जवाब बिल्कुल सही है। व्हिच सेल ऑर्गनली इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? Which cell organelle is the site of photosynthesis? Chloroplast. जवाब बिल्कुल सही है। हाँ आपके लिए
ग्रुप डी के लिए ये क्वेश्चन है. व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी? जीन्स. जीन्स जवाब बिल्कुल सही. नेफ्रॉन सही जवाब है. हाँ सी के लिए है. हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? कैरलस लेनियस. जवाब बिल्कुल सही है. ग्रुप डी के लिए अपना सवाल है. नेम द रेडिएशन व्हाट आर एब्जॉर्बड बाय ओजोन ब्लैंकेट? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन. जवाब बिल्कुल सही होने पर अब जो आखिरी राउंड यहाँ पर जो बहुत ही मुकाबले का राउंड होगा वो बहुत ही डिफिकल्ट राउंड होगा और इस डिफिकल्ट राउंड को यहाँ पर हमारे सोशल साइंस सुप्रीमो गुलाम नबी मीर साहब यहाँ पर आपके साथ प्रेजेंट करेंगे. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. सबक फिर पढ़ सदाकत का शजाअत का इयादत का. सबक फिर पढ़ सदाकत का शजाअत का इयादत का. लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेल नोन डेफिनेशन रिगार्डिंग एजुकेशन. एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल which will enable him to control his environment and fulfill his possibilities. I am highly thankful to the worthy principal, other staff members, especially our general science teachers who made this program highly impressive. Our school, namely Model Public High School, Bottingu, has from the very beginning turned every student to make the career of students brighter and lead them to the right path. अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले बीइंग ए टीचर, टीचर इज द रियल बिल्डर ऑफ नेशन एंड वी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मेक एवरी एफर्ट टू मेक योर कैरियर ब्राइट एंड ब्राइटर. विश यू ऑल द बेस्ट. नाउ लेट अस स्टार्ट अवर प्रोग्राम एज वेल. मेरा पहला क्वेश्चन होगा ग्रुप ए के लिए, राउंड फाइव का क्वेश्चन नंबर वन. ग्रुप ए के लिए नेम एनी थ्री इंपॉर्टेंट एंजाइम्स ऑफ पैनक्रियास एंड द फूड कंपोनेंट ऑन विच दे एक्ट. एनालाइज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, फैट एंड ट्रांसिशन प्रोटीन. आपका जवाब बिल्कुल सही है. इनके लिए जोरदार ताली हो जाए. जोरदार ताली. हमने मार लिया है. आप देखते हैं ग्रुप बी वाले. ग्रुप बी के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है द ब्रीदिंग रेट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इज हाईली. व्हाई? The breathing rate of aquatic animals is high. Why? Group B. तो आप मेहरबानी करके अपना जवाब दोबारा से रिपीट करें और आहिस्ता करें. आपका जवाब बिल्कुल सही है. इनके लिए जोरदार ताली. ग्रुप सी के लिए हमारा पहला क्वेश्चन होगा व्हाई आर इंटेस्टाइन मिल्स हाईली वैस्कुलर? नहीं, आप दोबारा अपना जवाब रिपीट करें. इट बिहेव्स एज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड. नहीं, जवाब सही नहीं है. जवाब बिल्कुल सही है. हमारा पहला क्वेश्चन होगा व्हाई डू वी गेट मसल क्रैम्प आफ्टर विजोरियस एक्सरसाइज? थैंक यू. आपका जवाब बिल्कुल सही है. होगा नेम द साइट ऑफ एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन इन ए सेल. एनारोबिक साइटोप्लाज्म, एनारोबिक माइटोकॉन्ड्रिया. थैंक यू. आपका जवाब बिल्कुल सही है. जोरदार ताली. बढ़िया हो जाएगा.
ग्रुप बी के लिए हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा. नेम द ब्लड वेसल दैट कैरियज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट. दोबारा रिपीट करें. थैंक यू. आपका जवाब बिल्कुल सही है. माई पेनक्रियास इज कॉल्ड मिक्सचर ग्लैंड. माई पेनक्रियास इज कॉल्ड मिक्सड ग्लैंड. माई पेनक्रियास इज कॉल्ड मिक्सड ग्लैंड. मिक्सड ग्लैंड. दोबारा क्वेश्चन बोलकर. टाइम क्या है? टाइम हो जाएगा. क्या टाइम है ना? टाइम टाइम के देर टाइम हो गया. अब चल चल हो गया सवाल. हाँ क्वेश्चन दोबारा फोन फोन से. भाई पैनक्रियास इज कॉल्ड मिक्सड ग्लैंड. Why pancreas is called mixed gland? इसलिए बताया. दोबारा से रिपीट करें जोर से. It behaves as exocrine as well as endocrine gland. इनके लिए जोरदार ताली होगी. जोर से बोलिए. कौन सा क्वेश्चन है? अब ये तो अपना क्वेश्चन होगा. ये कौन सा ग्रुप? ग्रुप डी के लिए. सर इसे भी हुई क्वेश्चन होगा. Name the product and by product of photosynthesis. प्रोडक्ट स्टोरेज बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन. इनका जवाब बिल्कुल सही है. ये तो आगे आप निकल गए. जी नंबर पर था, अब ये नंबर पर आ गया. अब ए के लिए सवाल. ए के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री हो रहा है. नहीं इसके पहले हो रहेगी. टू फैक्शन आप किस नहीं. Filtration of nitrogen, nitrogen is gas and from blood or osmoregulation. Thank you. इनका जवाब बिल्कुल सही है. सही जवाब दिया. चलो क्वेश्चन होगा. What is the role of pepsin in cucumber? Pepsin digests protein as peptones. जवाब बिल्कुल सही जवाब है. इनके लिए ताजा जोर से. ग्रुप सी के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री होगा. आपसे इस्तीफा की आप मेहरबानी करके खामोश खामोश हो रहे. ग्रुप सी के लिए क्वेश्चन नंबर थ्री है. नेम द एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल ऑफ सेल. नेम द एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल ऑफ सेल. एटीपी. बिल्कुल सही जवाब है. जवाब चलो इस वक्त आप कामयाब हो गए. ग्रुप सी वाले ग्रुप डी के लिए क्वेश्चन नंबर थ्री हो रहा. ग्रुप डी के लिए क्वेश्चन नंबर थ्री. अ प्लेस इन एनवायरमेंट वायर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट. हैबिटेट बिल्कुल सही जवाब. जोरदार. लास्ट क्वेश्चन होगा. हर एक ग्रुप के लिए एक एक क्वेश्चन. ग्रुप ए के लिए हमारा चौथा क्वेश्चन होगा. गिव द फुल फॉर्म ऑफ UNEP. सवाल दोबारा से सुने. गिव द फुल फॉर्म ऑफ UNEP. UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम. बिल्कुल सही जवाब है. इनके लिए ताजा हो जाए. बी के लिए हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा. गिव द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को. UNESCO यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. बिल्कुल सही जवाब. हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा. ये राउंड का कितनी तारीख का होगा? इतनी तारीख सवाल होगा. गिव द फुल फॉर्म ऑफ IUCN. गिव द फुल फॉर्म ऑफ IUCN. इंडियन इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स. क्या दोबारा से बोले? इंडियन बाकी इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स. टाइम बोले सर. टाइम अभी आपके पास है. IUCN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल. अगर किसी को पता है टाइम का ख्याल रखे. टाइम के अंदर इनको ये पता. अच्छा एक मिनट और उनको दे.
इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। नहीं सर, सवाल का जवाब बिल्कुल गलत है, आप सवाल आगे करें। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। चौथा क्वेश्चन होगा, गिव द फुल फॉर्म ऑफ सीपीसीबी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बिल्कुल सही जवाब। ए ने 40 मार्क्स हासिल किए, ग्रुप बी ने 36 मार्क्स हासिल किए, ग्रुप सी ने 33 मार्क्स हासिल किए और ग्रुप डी ने 40 मार्क्स हासिल किए। इस तरह ग्रुप ए और ग्रुप डी बराबर बराबर है। वर्सेस इतना बाकी ना है। यस, कार्बन मोनोक्साइड की फॉर्मूला बता दिया। बस होगा ये आखिरी रमन चौथा जो रियासत ने किया था, ये जनरल नॉलेज था और इनको अपने किताबों के मुताबिक सवाल पूछे गए तो जो जीत गया वही सिकंदर बन गया। तो हमारा सिकंदर जो इस वक्त है तो नहीं तेरा नशीमन कासिम सुल्तानी के गुमन पर, नहीं तेरा नशीमन कासिम सुल्तानी है, ये मुकद्दर की खेल होती है। मुकद्दर सिकंदर कौन बन गया, कौन सा ग्रुप जो आगे निकल गया? अगर दो ग्रुपों के दरमियान तीन चार ग्रुपों ने इस कंटेस्ट में हिस्सा लिया है, इन चार ग्रुपों के नाम ए बी और सी और डी था, तो इन चार ग्रुपों में से जिस ग्रुप ने इस मैदान को मार लिया है वो हमारा ए ग्रुप है और इस तरह से दूसरे नंबर पर जो ग्रुप रह गया वो तो डी ग्रुप है और जो सी था वो सी ग्रुप पर ही रह गया और हमारे इस कंटेस्ट से जो ग्रुप पीछे रह गया वो तो ग्रुप सी है।